बेगूसराय के बरदाहा बथनाहा बहियार में एक साल बाद फिर से एक खेत चर्चा का केंद्र बन गया है। लोग यहां पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और हर हर महादेव का नारा भी लगा रहे हैं। दरअसल इस खेत में शिवलिंग मिला है, जिसके बाद से आसपास के लोग यहां पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक साल पहले भी इसी खेत से एक और शिवलिंग मिल चुका है। फिलहाल खेत मालिक ने शिवलिंग को अपने घर पर स्थापित कर दिया है। की बताए सच्चाई के नाम सच्चाई हम देख लिए, जब पाउडर गिरवा ले तो हम देख लिए जैसे निकला रहा था, बैठ कर देख लिए तो थोड़ा बहुत कल का आदमी को बोले लिए देख लखनी जब सही में छह तो कोरल कल खनी तनी हटे लिए तो लिखल और देख लिए तब अपन एक दो आदमी के देखे दलिए जे देखियो सब देख लखनी धीरे धीरे वह सब कोर कर कते बड़ा क्या दल खनी है खेत भेली। हां सुने छे पहले भी एक बार भी और भोला बाबा निकले शिवलिंग। हां हां अपने रखने घर पर रखने नाग बाबा लपटने। यह खेत बरदाहा के रहने वाले राजाराम शर्मा की है। खेत में मक्के की खेती की गई थी। राजाराम ने बताया कि मक्के की खेती की सिंचाई के बाद उनकी पत्नी कीटनाशक पाउडर का छिड़काव करने गई थी। अचानक उसकी नजर खेत के बीच एक छोटे से चमकीले काले रंग के पत्थर पर पड़ी। वहाँ हल्की खुदाई की गई तो शिवलिंग मिला। इसके बाद तो गांव में इसकी चर्चा खूब होने लगी। खेत में पाउडर गिराने के लिए आए, पाउडर गिराने वक्त देखे वो काला थोड़ा सा उसका के देखे तो धीरे धीरे मोटा निकला नजर, तो सब खून खान के देखना चालू किया। हम लोग बोल दिए इससे पिछले साल भी निकला था, वो तो घर पर ले गए, उसको पूजा पाठ करते हैं। किसी से दुश्मनी तो नहीं है? नहीं, हमारे पर कोई महादेव में झगड़ा क्या रहेगा। फिलहाल अमाड़ी बरदाहा पतला चौड़ाही शाहपुर बखड्डा सहित आसपास के लोगों का हुजूम दर्शन के लिए उमड़ रहा है। लोग हर हर महादेव का नारा लगाते हुए अगरबत्ती बेलपत्र फूल माला लेकर पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। लोग इसे बाबा भोलेनाथ का चमत्कार बता रहे हैं, तो कुछ लोग शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर भूस्वामी को परेशान करने के लिए शिवलिंग को गड्ढा खोदकर खेत में रख देने की बात कह रहे हैं। शिवलिंग भी नया है, हालांकि भूस्वामी ने किसी से जमीन विवाद अथवा आपसी रंजिश की बात से इनकार किया है। राजा राम के मुताबिक एक वर्ष पूर्व भी इसी खेत से एक शिवलिंग और मिल चुका है। लोगों ने खेत में शिवलिंग की पूजा अर्चना की और हर हर महादेव का नारा लगाया। बता दें कि इसी तरह पिछले माह बक्सर के गिरधर बड़ाव गांव का एक खेत रातों रात जब सुर्खियों में छा गया था, जब वहां खुदाई के दौरान 3 सोने के सिक्के मिले थे, जिसके बाद खेत से सोना निकालने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने खेत की घेराबंदी कर दी और सिक्कों को जब्त कर लिया। बाद में पुरातत्व विभाग की टीम यहां पहुंची और खुदाई की गई तो कई पौराणिक सामग्री भी मिली। बेगूसराय से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।